अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम शारे अली नूर है। मैं PPL के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। आज हम जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके आए हैं वो उसका नाम मिडवे रेजिडेंसी है, जैसे आप पीछे देख सकते होंगे। इसके अलावा ये लिबर्टी कमर्शियल पे प्रोजेक्ट अवेलेबल है और इसकी ग्राउंड प्लस 8 कंस्ट्रक्शन जो है वो तैयार हो चुकी हुई है। इसके अंदर आपको अपार्टमेंट्स 3 बेडरूम, 2 बेडरूम और 1 बेडरूम के लग्जरी अपार्टमेंट्स मिलेंगे और ऑफिसेज हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड पे और लोअर ग्राउंड पे इसकी शॉप्स हैं। अच्छा, लोअर ग्राउंड की बात अगर आती है तो इसमें वो बड़ी एक खूबसूरत एज है कि इसके अंदर प्रीसेंट 4 को फेस करती हुई भी शॉप्स अवेलेबल हैं। प्रीसेंट 4 को अवेलेबल शॉप्स जो फेस करती हैं वो सिर्फ इन्हीं 4 प्लॉटों पे हैं और 2 प्लॉट और हैं, वो भी सेम बिल्डर्स के हैं। उन्होंने इसके बाद उन प्लॉट्स पे इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, तो वो जब उसकी मार्केटिंग शुरू होगी तो वो उसकी भी वीडियो हम इंशाल्लाह आपके लिए लेके आएंगे। और इसके अलावा अगर रेट्स की बात की जाए तो इसमें अपार्टमेंट्स जो हैं वो 11,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के रेट पर आपको मिलते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा रेट है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये बड़ी ही एक खूबसूरत लोकेशन है, मतलब कि बैरिया टाउन कराची का ये कमर्शियल हब बनता है जो कि मिडवे ए और मिडवे बी के बिल्कुल सामने है, हेड ऑफिस इसके बिल्कुल सामने है। अगर मिडवे ए की बात की जाए और बी की बात की जाए तो इनमें जितनी इन दो कमर्शल्स के अंदर बिज़नेस जो है वो बूम कर रहा है वो बैरिया टाउन में इस वक्त कहीं भी और नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अलावा अगर इस प्रोजेक्ट को ये दिया जाए कि इसके अंदर इसके करीब करीब क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सामने इसके थीम पार्क है, उसके अलावा इसके सामने ही मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस पे इसके सिने गोल्ड अवेलेबल है जो ऑपरेशनल है। बैरिया टाउन का सिनेमा बड़ा ही खूबसूरत सिनेमा है, लग्जरी सिनेमा है माशाल्लाह से। और इसके अलावा क्या कहते हैं, इसमें जो शॉप्स अवेलेबल हैं वो भी क्या कहते हैं आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन वो रीसेल पे अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली उसके रेट्स जो हैं वो उस हिसाब से होंगे। अगर तब भी अगर हम बात करें कि इसकी पोजीशन में कितनी देर है, तो फिर इसमें तकरीबन आप समझें कि इस साल के एंड तक बिल्डर्स इसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी कर देंगे और उसके तकरीबन 1 साल या 1.5 साल में इसकी फिनिशिंग का भी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप आज इसमें बुकिंग दोबारा से रीसेल में, या कुछ यूनिट्स ऐसे भी अवेलेबल हैं जो अभी पहले से सेल नहीं हुए हुए, तो अगर आप वो यूनिट्स बुक करवाते हैं तो वो पोजेशन के बाद आपको बहुत ही एक खूबसूरत किस्म का ROI देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है और जिसमें जो लिवेबल होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आपका होस्ट शारे अली नूर, खुदा हाफिज़।